ਸਾਸ਼ਰੇ ਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਸ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੌਕ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਰੈਂਸ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਾਰਟ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਫਰੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚੋਲੀ ਚੋਲੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਰੌਕ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੋਲੀ ਬੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਫਰੈਂਸ ਨੀਚੇ ਆਪ फ्रंट पला रखा बिल्कुल सैट करके और देखो ये अपना फ्रंट पला या, बैक पले रखना या, दोनों पल है ये अपना बैक पल्ले के इस तरीके ना बराबर से रख लेना तो ये आपढ़े जोड़ लेने ठीक है सब तो पाँ आप जोड़ने हैं, अपनी फ्रॉक के मोडे तो बार फ्रेंड्स जो अपना बॉटम पार्ट है यूनी जी नीचे स्कर्ट लगनी है यदि आप तरीके पाणीएं ने चोना ए तो आ गया फ्रेंड्स अपना एक पला और इस तरीके का एक पला अपना होर कटिंग किया तो भी आप तरीके ने चोना पाया ने चोना पा के अपनी चोली के न अटैच करके फ्राक तैयार करा तो चलो देखते हैं आप मशीन पर यदी पूरी स्टिचिंग तो देखो फ्रेंड्स आप सब तो पहला जोड़ने ने अपनी फ्रॉक के मोडे ठीक है तो मोडे जोड़न तो बाद आप जरा गले पर पट्टी लगा के जोड़ा यदा कट लगया हुआ आवर करना आट तैयार करना है अपना ठीक है उत्थे आप बटन पट्टी बनानी आ बटन पट्टी आप बहुत सिंपल जो तरीके बनावे देखो फ्रेंड्स ये अपना कट है ये आप बटन पट्टी बनानी देखो य चार इंच का पीस लिया आर ये सेंटर सेंटर एक सेंटर मार्क बना लाँगे आप ठीक है ये उपर हूँ आपनी चोली रखनी है मतलब जब अपना कट है वह बिल्कुल ये सैट करके रख लेंगे इस तरीके जिथे मार्किंग की उत्थे उ अपना कट्ट आना चाहिए सेंटर दे है सेंटर के ठीक है तो जी अपनी पट्टी आप लगा एक इंच तू बधा के लगा बिलकुल बराबरते करके नहीं लगा एक इंच उपर के लावे और जो आप स्टिच कर ला उस बाद एक्सट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लगे ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਦਾ ਹੀ ਬਖਾ ਸਿਰਫ ਛੱਡਣਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਲਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ इस बाद बाद जो अपना कट है ये सेंटर आप देखो एक जड़ा कपड़ा लगया वो भी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करा तो कपड़ा है यनू आप अंदरली साइड टर्न कर देना है तो फिर जो कपड़ा आप अंदर फोल्ड करना आरीके फोल्ड नहीं करना क्योंकि नॉर्मल कमीजा इस तरीके फोल्ड करते हैं बाद वक्री पट्टी लगाने बट आप इस तरीके नहीं करना आप ही पट्टी के अपनी बटन पट्टी भी तैयार कर लैनी है किस तरीके करा देखो जी पट्टी अपनी लगी लग है इनू आप अद्धा अद्धा इंच बहर कड़ लाँगे देखियो ये आप देखो दो ढाई तो इंच तो ही चौड़ी पट्टी रख लियो फिर तीस तो आराम न इस तरीके ने पट्टी बना सद दो, -दो अर्धा अद्धा इंच आप इस तरीके बहरों क्ड ली दूजी साइड तो ही अद्धे तो पौना इंची कड़ सद बड़े आराम क्योंकि मैं दो ढाई तो इंच चढ़ाई रखी हुई है ठीक है तो देखो आप इस तरीके अद्धा इंच पौना इंच के करीब कपड़े न इस तरीके कड़ लिया हो बार हूँ आप इतने आपेरे घेरे एक सिलाई लगा देंगे बरीक सिलाई लगावे बिल्कुल कपड़ा सैट करके ठीक है तीस देख सकते दे हो फ्रेंड्स आप तरीके ना बड़े सिंपल ज तरीके जी बटन पट्टी तैयार कर रहे हैं देखो बिल्कुल आप सिलाई जड़ी लगा कनारी किनारी लगा है तो देखो ऊपरों कपड़ा मैं अद्धा इंच अर्धे तो पौना इंच छड़ और नीचे आंदे कट के एंड आदि मैं कपड़ा घटाता हुआ या ठीक है देखो फ्रेंड्स इस तरीके अपनी बटन पट्टी तैयार होगी यदि साइड आप तैयार करते हैं जिथे अपने कट का एंड हों एक तो डेढ़ इंच अपना कट बंद कर देना आ और बिल्कुल देखो इस तरीके उपर थले रख के होए आप इस तरीके सैट करके इतें सिलाई लगा लेनी है पक्की करके सिलाई लगा लेंगे दो वरी आपू घुमा के पक्का करके इतें यदि कटिंग कर देंगे धागे की तो फ्रेंड्स ये सिलाई लगन के ना अपनी बटन पट्टी है बिल्कुल परफेक्ट शेप आ जाएगी तो जो आप सिलाई लगानी जिस तरीके बटन पट्टी लगाने जी उस तरीके अपना उपर थले रख के फिर पक्का करना है बैक पल्न आप तरीके इस तरीके अंदर फोल्ड करके आप इतने सिलाई लगा लेंगे और देखो मैं सिलाई लगा के एक्सट्रा कपड़ा कटिंग करता हुआ है इस बदान तैयार करना है अपना बैन तो फिर हम मैं बैन बनाया बिल्कुल ये बुकरम पेस्टिंग कुछ भी यूज नहीं किया सिर्फ कपड़े के ही मैं गला तैयार किया देखो ये पट्टी मैं तीन इंच चढ़ाई मेंई है तीन ढाई तो तीन इंच चौड़ाई में यदि लई हुई है तो देखो आप ए अपने गले के उपर रख के पट्टी तो आप गलाई देव सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल पैर पैर बखाए भी रखना है देखो पट्टी आप जो अपना गला आदो एक इंच बढ़ा के पट्टी लैनी है ठीक है पट्टी सिलाई लगा जो स्टार्ट करनी उदों भी एक इंच पड़ी पत... पट्टी वध रखनी है तो जो सिलाई अपना स्टॉप करनी है सिलाई एंड करनी है उदों भी आप जी पट्टी अर्धा इंच वक् के फिर कटिंग करना आखो फ्रेंड्स ये पट्टी मैं कटिंग नहीं की हुई इस तरीके ने लगा रही बिल्कुल न प लैके नहीं मैं कटिंग की थी। क्योंकि नाप लैके फ्रेंड्स कहीं बार हो जाए अपनी पट्टी वा घट जाती है सो इस करके मैं सारी पट्टी नाल ही रख ली हुई है तो बाद में जो अपने पूरे गले तो लग जाएगी एक इंच व्ध रख के आपकी कटिंग कर दें बहुत ही सौखा तरीका है बैन लगा चटप ये गला अपना तैयार हो जाता है पाया हुआ बहुत वजिया लगता है लड़किया दे ਤੇ ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੈਂਡਸ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਏਡੀ ਖਾਸ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਇੰਚ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਪੜਾ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆਵੇ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ तो देखो फ्रेंड्स आप तरीके ना फोल्ड करके आपई लगा लेनी जी सिलाई लगी हुई है सिलाई मार्जिन जड़ा वनूँ अपने जेडे बैन के अंदर लुकाना होंगे या कवर करना होंगे इस तरीके ते पट्टी फ्रेंड्स जो भी यह लगाने आपबल करके लगा डबल करके लगाओगे तो जरा तो गले की बहुत वी फिनिशिंग आएगी ठीक है तो यहाँ डिफरेंट जहा तरीका पट्टी लगा बहुत ही सौखा जहा तरीका आर बी बहुत जल्दी ये नैक बना के तैयार कर सद फ्रेंड्स तो देखो फ्रेंड्स ये हूँ अपनी जड़ी पट्टी लग गई हुई है इतने आप थोड़ा जहा पक्का करके अलग कर लेंगे और अपना नैक बन गया हो हूँ आप चाहिए तो एक इत एक हुक्क जिच बटन लगा सदी अगर तुम हैल्दी हो शरीर हेल्दी है फिर तुम ज़रूरत ही नहीं कि इतने कुछ बटन ज कुछ लगाबार फ्रेंड्स आप तैयार कर लैने अपनी स्कर्ट त इतने आप तीन इंच कपड़ा छढ़ना फ्रेंड्स तीन इंच कपड़ा छड़ के फिर आप चोना पानी स्टार्ट करनिया ने इतने पाइं ने व्डिया व्डिया चार चार इंच दया मैं इतने चोन पाइं ने बिल्कुल बराबर बराबर ब् ये सारिया चोणा अपन आनिया चाहिए ने और जो चोना के अंदर गैप आगा अर्धे तो पा ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਡੀਆਂ-ਵਡੀਆਂ ਚੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇ ਫਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਪਾਈ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਿੰਪਲ ਸੂਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਰਸ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ तो फ्रेंड्स चैनल पर पंजाबी सिलाई क्लास भी चल रही है और तो तुम्हें अगर साड़ी सिलाई क्लास का हिस्सा बनना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक कर लो तो को प्लेलिस्ट आ जाएगी पूरी सिलाई क्लास की तो उतोज़ क्लिक करके अपनी नॉलेज बढ़ा हो और सिलाई कोर्स कर सकते हो बिल्कुल फ्री घर बैठे हुए ठीक है जी देखो फ्रेंड्स चोणा पै गई अपन दोनों पल्लियां ते तो चौना पाने बाद अपनी जीड़ी चोली है वोदी इस तरीके स्कर्ट न ज्वाइंट करना है फ्रेंड्स एक साइड तो आप देखो इस तरीके योड़ ने तो एक साइड में इस तरीके ना जोड़ के पहला जोड़ लेना उसकी जड़ी दूसरी साइड है यदि भी अपनी स्कट न जोड़ लेना ठीक है बिल्कुल सेम तरीके दोनों ने आप दोड़ा तो देखो फ्रेंड्स अपनी जीडी आप जोड़ के इस तरीके ना स्कर्ट तैयार कर लिया हो सिंपल सिलाई मार के और देखो ये अपनी बैक साइड सी और ये अपनी फ्रंट साइड आ और फ्रंट साइड अपना इतने लगा लैस अपनी कमर त लैस लगा और लैस लगा के आप फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे ठीक है ते देखो एस ब्रावर, ब्रावर तो देखो फ्रेंड्स इस तरीके बिल्कुल बराबर बराबर करके आप फिटिंग दिलाईया लगा बट फिटिंग दिलाईया लगा तो पहला फ्रेंड्स आप कमर तो लैस लगा लेंगे क्योंकि कमर तो लैस लगाने बादी हो जाती है देखो फ्रेंड्स कि सोहनी जी एक प्यारी जी अपनी लैस आ और ये बूटी के न मैच करके मैं लगाई हुई है तो देखो इस तरीके आप इस तरीके एक सीधी सिलाई लगा के इनू आप जॉइंट कर लेना है तो सिलाई दे उपर ही अपनी ये सिलाई आनी चाहिए है सो फ्रेंड्स यैस लगाने तो बाद फिटिंग दिलाई लगा लिया हुई फिटिंग दिलाईया लगा तो बाद फ्रेंड्स ये अपना घेरा या फ्राक का घेरे इस तरीके डबल फोल्ड करा सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने तो बादली लैस लगा लेंगे बहुत ही वीयर लुक आई सी अपनी फ्रॉक की सो फ्रेंड्स देखो अपनी सिलाई लगा के मैं लैस लगा ली हुई है घेरे तो पहला इन लेगा तो बाद एक मैं लैस लगा के तैयार कर ली हुई है और फ्रॉक सीधी करके तो खादी हाँ देखो फ्रेंड्स अपनी कमर ते कि लैस इस तरीके लागी हुई है कि प्यारी और जड़िया चोन कि सोनिया बराबर बराबर आईया ने तो एक बार फ्रेंड्स मैं घेरे से भी लैस लगा ली हुई है घेरे से लैस लगाने बादेंड्स अपन रह गई ने स्लीवस बहव तुम दस दें कि मैं बाह कि तैयार की तो फ्रेंड्स बाहवी भी कटिंग पूरे मैं कल वाली वीडियो दसी जब तीस कटिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आ वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन से दे देगी दे उपर आई बटन पर भी दे देंगी तो चैक करके भीडियो देखो तो उस बात स्टिचिंग करो देखिए फराक बहुत वजी बनेगी देखो इस तरीके बिल ये उपर रख के फ्रिलद्ध मैं सिलाई लगा ली सिलाई लगा तो बाद देखो अपनी फ्रॉक की लुक किस कुछ इस तरीके आ गई इतना इतने भी उ लैस यूज करनी है फ्रेंड्स जी आप कमर से घेरे है दस तो पंद्रह रुपए मीटर मैंने ये लैस मिल गई सभी और अपने फ्रॉक के उपर लगी हुई बहुत प्यारी लग रही सगी तो देखो फ्रेंड्स इतने आप लेर के लैस लगा जी चीज़ है इतने मैं सिलाई लगाई हुई है ये घेरे से फ्रॉक बांह के घेरे से चाहो तो इतने पीको भी करवा सकते हो पीको करवा के भी इनू रेडी कर सकते हो बट मैं इतने बिल्कुल घट खर्च ये फ्रॉक तैयार की है सो मैं इतने सिलाई ही लगाती सी बट सिलाई लगन के बावजूद भी अपनी जी सलीव है बहुत वधिया बन गई और स्लीव की लुक बहुत वी है पाने बाद तो देखो फ्रेंड्स ए इस तरीके बरीक बरीक इतने मारनी है जो भी आपबरेला स्लीव कटते हैं तो लेडी बिल्कुल बरीक मारा तो बहुत ज़्यादा सफाई आँदी है और देखो चोणा इस तरीके पै जानग अपन इस बद आपू डबल फोल्ड करना है अपनी स्लीव तो इतें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है जिनी भी तेजे बच्चे की फिटिंग है जो अपना सी रहे हो और अकोर्डिंग कटिंग करनी है और अकॉर्डिंग यदि आपिचिंग करनी है ठीक है कटिंग और स्टिचिंग नाप के मुताबिक होएगी धागे कटिंग करने तो बाद दस दें कि अपन स्लीवस दोनों किस तरीके रैडी हुई ने देखो कि प्यारियां लग रही स्लीवस तो इस बार मैं अपनी स्लीव जड़ी फ्रॉक जॉइंट कर ली हुई है और तीस देख सकते हो नैक भी कि प्यारा बनया सिर्फ इतने आप हुक् लगा के इनू रूरा प्रॉपर रेडी कर लेंगे तो अगर तुम हैल्दी हो तो तुम हुक्क जटन लगाने की जरूरत नहीं है और पूरी फ्रॉक की लुक कुछ इस तरीके आई है और देखो मेरी बेटी ने पाया हुआ कि प्यारा लग रहा है सूट और बहुत ही घट्ट कपड़े अपना रेडी हो चार मीटर कपड़े मैं रैडी किया प्लाजो सिर्फ मैं एक मीटर कपड़े तैयार किया और अगर तुम तो उल वीडियो नहीं देखी डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगी तो तो चेक करके प्लाजो की वीडियो देख सकते हो सिर्फ एक मीटर मैं पूरा रे रा, प्लाजो रैडी किया तो देखने बहुत बहुत धनबाद जी